ପଶ୍ଚ ନରକ୍ୟ। ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରଥମେ ବାହାହେଲା, ତାପରେ ବାର ଖଣ୍ଡରେ ହାଣିଲା। ଏଭଳି ଛାତିଥରା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସାହିବଗଞ୍ଜରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥୀ ହୋଇଥିବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ। ଯାହାକୁ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେହି ପରେ ବିଷ ଦିଏ। ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଆଉ ଏକ ବିବତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଏକ ନିରୀହ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସାହିବଗଞ୍ଜରୁ ଆଉ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ୱାକର ଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପଛପଟୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଂଶକୁ ଏକ କୁକୁର ଖାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦିଲଦାର ଅନସାରୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲଦାର ଅନସାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅତି ବିବତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ବାର ଖଣ୍ଡ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। लड़का ही फोन किया, सब घर बोली बोला कि लड़की हमको घर में जो बताया कि हम तो नहीं थे, लेकिन हम नहीं थे, लेकिन वो घर वाला जो बताया कि यार लड़की नहीं है। तो आपको फोन किया? हाँ, ऐसे फोन किया। तो आप कैसे जाने कि आपका कैसे हत्या किया गया, ये सब मालूम है आपको? हमको मालूम नहीं है हत्या किया, तो बोला कहीं गई भी, हम भी ढूंढ रहे हैं, ऐसे बोला घर वाले। ऐसे बोला लड़का ही आपको सूचना दिया? उसका भाई भी, छोटा भाई भी, यार उसका बहन है ना, क्या है पता नहीं। हम आपको फोन करके सूचना दिया? हाँ, सूचना दिया। अच्छा, कितना दिन से यहाँ रह रही थी आपकी लड़की? डेढ़ महीना हो गया। डेढ़ महीना से यहीं रह रही थी? हाँ, रह रही। यही ना? हाँ। ये लड़का शादी किया था? हाँ, शादी किया। विवाह परे उभयंक मध्यरे सबुबेले झगड़ा लागी रहुथिला। एनै दिलदार तांको उपरे राग रखी मारिबाकु योजना करथिले। गत शनिवार रातिरे दिलदार तांको स्त्रीकु योजना मुताबक छुरी भुसी हत्या करथिले। हत्या करिबा परे शरीरर अंशकु बार खंड करि काटि फिंगि देथिले। ई दूसरी शादी दिलदार अंसारी जो यहाँ पर बोरी का है, फाजिल टोला का, उसके साथ भी ऑलरेडी उसकी पहली पत्नी थी। इसको लेके आपसी फैमिली विवाद चल रहा था। इसी फैमिली विवाद के चलते उसको रुबिया पहाड़ी को, रुबिका पढ़ाएं पहाड़ी को, इन लोगों ने एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और लाश को टुकड़े टुकड़े करके आंगनवाड़ी के जो इसके थाना से 500 से दूरी पे है वहाँ पर फेंक दिया। इसमें सर पति का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं सर? किसका किसका इन्वॉल्वमेंट? ना, इसमें तो अनुसंधान में पति का तो इन्वॉल्वमेंट है ही है, सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ये तो अभी अनुसंधान चल रहा है ना सर। कितने टुकड़े अभी तक बरामद की गई है सर? बरामदगी के लिए हम लोगों ने संख्या तो नहीं बता सकते हैं, तो उसमें हम लोगों ने इसके पोस्टमार्टम के लिए जो भेजा है डॉक्टर को, उसके अनुसार। देखो, ये बड़ा अजीबोगरीब सा सिस्टम है कि जो कृत्य किया है, जिस टाइप से इसने ये घटना कारित की है, इसमें बड़ा कॉम्बिनेशन सा लगता है। जैसे कि ये गूगल का मैप को लेके कहाँ लाश को ठिकाने लगाने जा रहा है, गूगल मैप का यूज़ कर रहा है, और किस प्रकार से उसने छिपाने के लिए, तथ्य छिपाने के लिए, करने के लिए सारी चीज़ें की, वो तो उसका लगता है सातिराना अंदाज। प्लस उसने तो इस रिश्ते को कैसे, ना कोई अभी तक के अनुसंधान में ना तो कैसी कोई बड़ी बात आई है कि किसी कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो या कोई अन्य कोई विवाद हो या कोई बड़ा विवाद हो, वो भी इसके सामने भी अनुसंधान से सामने नहीं आया। मात्र ये सामने आया है कि ये छोटा लड़ाई झगड़ा, इसको रोका टोकी, उसके कारण से इसने ये किया। तो ये एक साइको का भी कॉम्बिनेशन बताता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये चीज़ें प्रतीत होती है कि ये बड़ा स्पेशल तरीके से इस चीज़ को किया गया। ରବିତା ପାହାଡ଼ିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସାହିବଗଞ୍ଜ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 22 ବର୍ଷ ହେବ। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବାର ଖଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ତାହାର ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି।
मृत महिला स्वामी दिलदार को पुलिस गिरफ्त करी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस।